वेलकम टू माई चैनल आज का जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉकली हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली इक्वेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यहाँ डी डीप्रॉगली हाइपोथेसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो लुइस डी ब्रॉकली फ्रेंच फिजिक्स इन 1924 ट्वेंटी फोर डेट लाइक फोटोन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एटम मोलिक्यूल और ए पीस ऑफ चॉक ए पीस ऑफ स्टोन और एन आयरन बॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट इज माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा ऑल्सो पोजेज डुअल कैरेक्टर द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव यानी आपको पता होगा कि जो लाइट होता है वो लाइट डुएल नेचर शो करता है डुएल नेचर मीन्स क्या हो गया वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है उसी तरह डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो मैटर होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो या माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो वो भी डुएल नेचर शो करता है डुएल नेचर का मतलब इसमें भी सेम हो गया कि ये वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही तो इसी चीज को यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा गया है जिस तरीके से लाइट के बारे में उसी तरीके से मैटर के बारे में तो हम लोग डी रॉगली हाइपोथेसिस को कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर शॉर्ट uh, में तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डी रॉगली रिलेशन तो डी रॉगली रिलेशन क्या था इसे आज हम लोग डिराइव करेंगे डी रॉगली रिलेशन है लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी एम बी को हम लोग मोमेंटम से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी तो एच अपॉन एम एम को लिख सकते हैं हम लोग पी पी यहाँ पे मोमेंटम हो गया तो इसी रिलेशन को आज हम लोग डिराइव करेंगे तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन। तो यहां पे लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ़ वेव एसोसिएटेड एनी मटेरियल पार्टिकल बाज कैलकुलेटेड बाय एनालॉगी विथ फोटॉन्स एज फॉलोस यानी क्या हो गया जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया मटेरियल पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हो जैसे चौक पीस ऑफ स्टोन हो गया तो उससे जो वेव एसोसिएटेड होगा तो उसे हम लोग डी ब्रॉगली वेव कहेंगे ठीक है और डी ब्रॉगली वेव के वेवलेंथ को हम लोग फोटोन के एनालॉगी से कंपेयर करके हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे जैसा कि आपको पता है प्लांक्स क्वांटम थियोरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होता है वो क्या होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ई इज इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर वन कंसिडर करेंगे और इसे इक्वेशन नंबर टू कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू है और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो इक्वेशन वन और टू को जब हम लोग कंपेयर करते हैं वेन इक्वेशन वन एंड टू कंपेयर देन वी गेट एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे एच क्या है प्लांक कॉन्स्टेंट है सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो यहाँ पे हम लोग को मिला एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोग न्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लेमडा लेमडा यहाँ पे क्या है वेव लेंथ तो यहाँ पे न्यू के जगह पे हम लोग सी वाई लेमडा पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू सी वाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच लेमडा इज इक्वल टू एम सी और हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू तो एच अपॉन एम सी यहाँ पे सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो यहाँ पे जब हम लोग मटेरियल पार्टिकल के वेलोसिटी सी को रिप्लेस करेंगे वी से तो इक्वेशन क्या मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू तो एच अपॉन एम वी तो यही इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन और जैसा कि आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम होता है तो हम लोग इसे और करके लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी तो ये रहा हम लोग का डी ब्रॉगली इक्वेशन ये डी ब्रॉगली इक्वेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में वेयर लेमडा इज इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल पी इज इक्वल टू मोमेंटम तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच